तो भैया हरो समय हो गए है कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने को। और बिल्कुल भैया जो कार्यक्रम हमारे लेके हाजिर हो गए हैं आज एक कार्यक्रम में है हम सतीश साहू और हम है भैया जय शेखर। तो दो ही जनों की सबई सुनबे वारों सबई फोन लगावे वारों को राम राम। और सतीश भैया लेते हैं जो पहलो कॉल। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो। हाँ भैया फोन करें लोकगीत सुने। फूल सिंह विश्वकर्मा मुखिया कला बोल रहे हैं रायसेन जिला से। फूल सिंह विश्वकर्मा जी। तो भैया जो रायसेन में कौन सी तरफ को पड़ा था मैं थोड़ा बता होगा। बरेली तहसील में पड़ता है साहब। अच्छा अच्छा। उधर तो भैया जाते समय खूब अच्छे घने पेड़ लगे हैं भैया। हाँ खूब अच्छे अच्छी नर्मदा जी किनारे। भैया आप सबसे अच्छी पुण्य सलेला नदी के किनारे हो भैया। हाँ जी। जीवन दायिनी के उजात है मध्य प्रदेश की और सबसे हाँ पवित्र नदियों में से एक मानी जाते है। और ऐसो भी मानोगा भैया कि जो हाँ सबसे साफ नदी है वो में भी उनकी गिनती हो। हाँ जी है नहीं। मगर भैया आप तो किस्मत वाले हो लेकिन हम एक बात और के हैं कि अपन को कोशिश करने प्रयास करने के एक तो नदी किनारे खूब सारे पेड़ लग जाए। हाँ जी। पहलो काम भैया। और ओ में भैया कोई भी प्रकार को कचड़ा या गांव के जो नालियां होती हैं जी अगर हाँ। नहीं मिले तो भैया बरसों बरस तक सदियों तक अपन अपनी पुण्य सलीला को ऐसे ही रख सकते हैं भैया। सही बात स्वच्छ रख सकते हैं अपन। और भैया जो जिम्मेदारी आप भी निभा सकते हो और हम भी निभा सकते हैं। सबके ऊपर है सब। हाँ आप ऐसे निभा सकते हो भैया गाँव के लोगों को जागरूक करो। सही है। देखो कोई एक खो तो आगे आने पड़े भैया। जब तो काम हुए साहब कोई भी आगे काम कैसे हुए। हाँ तो सहयोग चाहिए। बिल्कुल भैया। तो फूल सिंह भैया हम उम्मीद करें कि आप अपनी नर्मदा नदी को बहुत ही पवित्र और साफ रखबे में अपना सहयोग जरूर दे हो। जी बिल्कुल पूरा पूरा दे साहब। और भैया उतरे से बे आदमी तो निकलत होंगे भैया जो परिक्रमा करते हैं नर्मदा परिक्रमा। हाँ जी खूब निकलते हैं। तो भैया उनके संगे बातचीत करके कैसे लगा थे कछु अनुभव बताओ आप अपने। साहब बहुत अच्छा अनुभव होता है संत वृत्ति उत्पन्न होते जैसे अपन संत लेते हैं अपन। हाँ चलो भैया बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आपसे अटका पूछ रहे हैं जैसो कि आप जाना थो कि अटका पूछा थे। हाँ जी बताओ। अटका कह रहा हो कि पांच पंच हैं घने खजूर आओ। तुम लौटो हम जाएं दूर। जी अपन मेरे अनुभव में लगा जी अपन खाना खाते थे अन्न देवता कह रहा हूँ साहब आप बाहर जाओ पांच देवता हम अंदर दूर दिए हैं। बहुत अच्छी भैया बहुत अच्छी। कैसे पता चलो भैया आपको। अब साहब जी अपन सुनत नहीं थे सियाने बड़ो से अटका तेज साहब से अपन हुआ याद है यानी जो पारंपरिक अटका कहलाओ पूरा। हाँ जी बैठा तो ठाते। तो भैया हम तो आपके माध्यम से अपने सभी श्रोताओं से जा बात भी क्या वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही पारंपरिक अटका अगर आप हमें भेजो हमारे व्हाट्सएप पे या चिट्ठियों लिख के तो आपके भी अटका जरूर शामिल करे जी भैया। अगर व्हाट्सएप पे आप अटका भेजवो चाह रहे हो तो हमारे व्हाट्सएप को नंबर हम आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को बतावो चाहे भैया 9770432297। तो भैया अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे। राम प्रसाद अहिरवार की आवाज सुना दो। चलो भैया हम सुनवाऊ थे आपको राम प्रसाद अहिरवार को गाओ भाव जो लोकगीत। ज्ञान लखाए छीन ले दे कम
क्या कहें, पति हमारे पोट पोट धन खाए। प्रिया कहें पति हमारे पोट पोट धन खाए। चार जने मिल चले बराती कंफन लए उड़ाए। चार जने मिल चले बराती कंफन लए उड़ाए। हेलो। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम है, फोन करें लोकगीत सुने। जी सर। कौन बोल रहा भैया? मेहरबान प्रजापति बोल रहा सर। मेहरबान? जी सर। चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो मेहरबान भाई जी, आज बड़ी मेहरबानी कर दी आपने कार्यक्रम पे। जी सर। अच्छा, एक पहले भी आपके फोन लगत रहे हैं का? हाँ सर, बहुत लग चुके हैं। लॉकडाउन के पहले लगे और सर अभी होली के टाइम पे लगा था सर। अच्छा, तो कहाँ से बोल रहे भैया? सर पाटई से। पाटई कहाँ है? जो पाटई जो सर रानगढ़ के पास है। अच्छा, विकास खंड और जिला सागर ही लगत? जी सर। रहली लगत भैया? विकास खंड रहली जिला सागर। तो जो पाटई गांव भैया आपको है कहाँ पे, जो माने सागर से अपन रानगढ़ तर पे जाओ? सागर से सर अपन रहली आते हैं। रानगढ़ से गड्डा से सर 7 किलोमीटर। अच्छा, तो एक तो सीधो रानगढ़ को चलो जाते है और फिर जो बीच में से कहूँ मुड़ो है जो सर रानगढ़ वहाँ लगाते हैं। हाँ, वो तो ही पड़ा था सर। अच्छा, रामपुर भी है आसपास? रामपुर अंगारे हैं। अच्छा, वही वाले मार्ग पे? हाँ, उसी मार्ग पे। चलो ठीक है। तो मेहरबान भाई, कहाँ चल रहे हो अबे? सर भुवनी कन्या थी, मका की। मका की, जब बहुत अच्छी बात है भैया। मका आजकल जो है सरकार भी देखो बढ़ावा दे, मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से जब फसल बहुत अच्छी है, मोटे अनाजों में गिनी जात है जा। हाँ। और मोटे अनाज को भैया आजकल जो है बहुत प्रोत्साहन दो जा रहा है ना। हाँ हाँ। तो बिल्कुल भैया, काका तैयारी कर ली आपने? तैयारी तो सर यहाँ बहुत बोनी हो चुकी है। अच्छा। हाँ। तो जो ने अभी बोनी कर ली भैया, उनके पास कछु पानी वानी की भी व्यवस्था हुई है, अगर मान लो पानी नहीं गिर रहा है तो? हाँ, पानी है सर, गड्ढे है। अच्छा अच्छा, चलो भैया ठीक है। तो अगर बरसात के पानी पे निर्भर हो तो फिर जो सलाह अपने वैज्ञानिक देते हैं, विशेषज्ञ देते हैं, वो हिसाब से बोनी करो चाहिए भैया, आप ऐसे नहीं करो चाहिए, है ना? हाँ हाँ। चलो ठीक है मेहरबान भाई। और अब आते हैं अपन आज के अटका पे। जी। तो कहते हैं भैया के, पांच पंच हैं घने खजूर और तुम लौटो हम जावे दूर। सर सर से बता दी। पांच पंच हैं घने खजूर जी और तुम लौटो हम जामे दूर। सर जो नहीं बन रहा। नहीं बन रहा भैया? नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं मेहरबान भाई, फरमाइश बता दो। सर चंद्रभूषण पाठक की लोकगीत सुना दे। चंद्रभूषण पाठक जी को कौन सो? कोई सो भी सुना दे सर। अच्छा सर, तो लो आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। जी सर, आपको सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत। राख रही हो मोरी खबरिया मोरे राम।
जूधनी साखे भैयो मोरी खबरिया मोरे राम जूधनी साखे भैयो मोरी खबरिया मोरे राम जूधनी चाहे काजर की उठरिया मोरे राम जूधनी चाहे काजर की उठरिया मोरे राम जूधनी कष्ट ईतन से खेजो रहे न एक कौ आसे कसक कष्ट ईतन से खेजो रहे न एक कौ आसे और हे करुणा निधि राखे रहियो कांसे को सुर कांसे हे करुणा निधि राखे रहियो कांसे को सुर कांसे करियो नटकी ना बदरिया मोरे राम हेलो हेलो हाँ भैया फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत कर रहे हैं आपको। हाँ भैया सोमला से बोल रहे हैं। नाम और बता देते भैया। हाँ प्रताप कुर्मी। अच्छा अच्छा भैया जो सागर से कितनी दूर कहलाओ गाँव आपको? जो सर सही कहा भोपाल रोड पे कहा सर 8-10 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा तो भोपाल रोड पे कहाँ हूँ भैया? जो सर बिल्कुल भापेल के बिल्कुल एक तरफ है पहलू। हाँ भापेल के पहलू से फूटो है अपना 2 किलोमीटर है बगल में। अच्छा अच्छा भैया बड़ी अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात। तो भैया हमें प्रताप भैया जा बताओ कि अपन कर कर रहे हैं? कर रहे सर थोड़ा बहुत काम मकान वकान काम कर रहे थे मकान वकान मतलब तो सर नहीं काम हम कर रहे थे थोड़ी बहुत किसानी भी कर ली थी। बहुत अच्छी बात भैया कि एक काम चलो तो अपनो दूसरों भी चल रहा हो पीछे से।
जी सर अपनी रोजी रोटी चलत रहे, सीधी बात है, परिवार पर रोजी रोटी चलत रहे, बस ये लगा ये थोड़ा और काम। भैया देखो दुनिया ही कितनी सी है और ये में अपन कितने से हैं, अपन हाव हाव के चक्कर में पड़े रहे कि अटारी महल खड़ी करने हैं और पता चले कि उतने में मतलब ही नहीं कि छूने कर रहा हो। जी सर अपन नहीं सर अपन नहीं बात तो भाव में अपन तो जित तो भगवान की कृपा है जो अपन वही में संतुष्टि है जो उनको देने अपन वही में संतुष्ट। बहुत अच्छी बात भैया, आगे बढ़वे को प्रयास जरूर करने हैं मगर संतुष्ट भी रहने हैं अपन को। जी सर प्रयास तो सर करने चाहिए, देखो हर आदमी खिला रहे। बिल्कुल सही कह रहे भैया, और आज को वर्तमान भी अपन को देखने हैं और बच्चों को भविष्य भी देखने हैं। जी सर जी सर। तो भैया अब आ रही है अटका की बारी। जी सर अटका सुनाओ आप। अच्छा अटका कैसे लगा भैया जब हम और पूछा थे तो बहुत अच्छी लगा था सर। तो अटका कह रहा है कि पांच पंच हैं घने खजूर, पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर, तुम लौटो हम जाएं दूर। हाँ थोड़ी सी गली तो बताओ आप। अब मानो जाहे कि गली बतावे से का हो जाता है कि फिर तो जय हो गई, नुंगरिया पकड़ के अपन ने उतनी तक छोड़ दो। नहीं सर ज्यादा नहीं सर, थोड़ा सा बताओ सर ज्यादा। भैया एक नुंगरिया नहीं पकड़ी अपन ने, पांच नुंगरिया पकड़ के छोड़ दो। जी सर जी तो बहुत तो वही है। हाँ तो ऐसे में तो मजे नहीं आते, मगर जब आप कार्यक्रम को आखिर में सुनो जी सर और हमारी बात पे गौर करो पूरी जीव अपन की बीच में बात वही है तो आप क्या हो गए भैया उत्तर है तो अपनो लोगो हतो होते हैं। एक बार और सुना दो सर। पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर। सर नहीं आ रहा समझ में सर, हम बताए फोन लग गया सर आपको तो खुशी की मारे कहा बता सर। अच्छा लेकिन भैया जब कार्यक्रम जो सुनो आप तो गौर करियो पूरी अपनी बातचीत पे। जी सर। तो बताओ भैया लोकगीत अब कौन सा सुनवा देवे सर? जो खाना खाते अपन पांच उंगली ये तो नहीं सर। अब कैसे बता दे भैया आपने? बगल में कृष्ण कांत हमारे यार मित्र हैं भी कर रहे हैं थोड़ी सी। चलो भैया आपको बधाई आपने बता दो। तो अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे? वो सुनवा दो सर वो बगदार पूरे जी कौने हरी तुरी नील जैसे मच्छर को सीजन भी चल रहा है। ठीक है भैया हम आपको सुनवाऊ थे रामचरण यादव को गाओ भाव जो लोकगीत। बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी निंदिया, बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी निंदिया। तू खुद कबाऊ न सोवे, अरे तू खुद कबाऊ न सोवे और को खोन सोवन देवे, अरारा को खोन सोवन देवे रे बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी निंदिया। बगदर मैंने पल्ली से मोह काड़ो, मैंने पल्ली से मोह काड़ो वो पहलौ कान के ठाड़ो, अरे वो पहलौ कान के ठाड़ो दे बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी निंदिया। बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी निंदिया। वो गुन गुन करे रे कछु केरे, वो गुन गुन करे कछु केरे जैसे गुरु मंत्र सो देवे, राम भाई गुरु मंत्र सो देवे दे बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी निंदिया। बगदर सो जाइए रे कानों के था पड़ मारी, मैंने कानों के था पड़ मारी दोनों एड़ी के चली खुजारी, अरारा एड़ी के चल रही खुजारी रे बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी निंदिया। बगदर सो जाइए रे कछु धुआ करे से भागे, कछु धुआ करे से भागे मनो को भुनसारे नो जागे, अरारा को भुनसारे नो जागे रे बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी नींद
पिया बगदर से रात गुजारी जैसे से रात गुजारी जोनो टेरन लगी घरे बारी ए राम भई टेरन लगी घरे बारी रे बगदर सो जाइए रे कौने हरी तोरी निदिया बगदर सो जाइए रे कौने हरी तोरी बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोली निविया बगदर सो जाइए रे अरे तू खुद कबाऊन सोवे देखो तू खुद कबाऊन सोवे और को खोने सोवन देवे अरा अरा को खोने सोवन देवे रे बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी मिलिया बगदर सो जाइए रे बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी निलिया बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी निलिया जैसे तैसे रात गुजारी जैसे तैसे रात गुजारी जोनो टेरन लगी रे घरे बारी अरे जोनो टेरन लगी घर बारी रे बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी मिलिया बगदर सो जाइए रे कौन हरी तोरी मिलिया। हेलो हेलो हाँ भैया कार्यक्रम है फोन करें लोकगीत सुने आकाशवाणी केंद्र सागर। जी सर राजेंद्र यादव बोल रहे सोरखी से। राजेंद्र यादव कहाँ से? सोरखी सर। सोरखी जी तो जब भैया सोरखी कहाँ है? सोरखी और सुरखी अलग अलग है जी? हाँ सर ये सोरखी है सुरखी अलग है सर। अच्छा सोरखी कहाँ है भैया आपको? जी है सर ग्वारा से सागर है ना सागर से ग्वारा ग्वारा से सर सोरखी 13 किलोमीटर दूर है। अच्छा तो जिला आपको कौन सा लगा? छतरपुर जिला है सर। छतरपुर अच्छा भैया बहुत अच्छी बात है भैया बहुत दूर से फोन कर रहे हैं आप तो। जी सर। और बताओ भैया क्या चल रहा हो अभी? मैं तो सर फ्री है फिलहाल मैं मूंग लगाई थी तो निकल गई वो। मूंग कैसी रही भैया? अच्छी निकली सर मूंग तो। मूंग अच्छी निकली कितने दिनों वाली मूंग लगाई थी भैया? 60 दिनों वाली। 60 दिन वाली चलो तो बढ़िया समय से निकल गई भैया आप जैसे ही पानी गिर है सो अब दूसरी फसल बो हो। हाँ हाँ दूसरी फसल है सर मूंगफली भी बही का। हाँ और का लगे हो? और सर उड़द भी लगे हैं। अच्छा अच्छा उड़दा है मूंगफली है और का? दो चीजें लगे हैं सर ज्यादा तो धान भी जो चावल है धान वाले। अच्छा अच्छा धान भी लगा थे आपके थे? हाँ धान भी लगा थे। तो धान भैया कौन सी लगा थो आप जो पानी भरा थे खेत में? अच्छा पानी भरा थे जो वही वाली लगा थे। अच्छा अच्छा आजकल भैया ऐसी भी आ गई है कि बहुत कम पानी में भी जो है धान हो जाते हैं है ना मेडागास्कर पद्धति कहा थे बा। चलो ठीक है भैया तो राजन भाई और का करत हो जैसे खेती बाड़ी के बाद आपके पास जो समय बचत है तो का आपको करवो? अच्छा पढ़ाई लिखाई भी चल रही बीए कंप्लीट हो गई ग्रेजुएशन। अच्छा और इसके संगे संगे जो कंप्यूटर डिप्लोमा है सर वो भी चल रहा है। बहुत अच्छी बात है भैया जा तो पढ़वे लिखवे के बाद भैया खेती करवे को इरादो है कि और कछु करवे को इरादो है बताओ? अब अभी तो सर दूर चल रहा है काम काज लेकिन मेहनत है सर चल रही है अब देखो कौन सी साइट में जा सके। अच्छा अच्छा कछु लक्ष्य नहीं बनाओ भैया आपने? लक्ष्य नहीं है सर अब पढ़ाई लिखाई चल रही और खेती बाड़ी भी चल रही सर। चलो ठीक है और राजेंद्र भाई अब आते हैं आज के अटका पे अपन जी। तो आज अटका लेके आए हैं कि पांच पंच है घने खजूर और तुम लौटो हम जाएं दूर। पांच पंच है घने खजूर तुम लौटो हम जाएं दूर। बिल्कुल संकेत कछु सर? संकेत भैया जो हमें रोज करबो जरूरी है अपन रोज करत है बिल्कुल सभी जने रोज करत है। अच्छा चलो राजन भाई कोई बात नहीं
और अब बता दो आप अपनी फरमाइश। फरमाइश सर चंद्रभूषण पाठक को सुनवा दूंगा। चंद्रभूषण पाठक जी की फरमाइश आ गई भैया। तो फिर देशराज पटेरिया को सुनवा दियो कोई सो भी। देशराज पटेरिया को कौन सो? कोई सो भी सुनवा दियो सर। चलो ठीक है भैया, तो ले आपकी फरमाइश पूरी करी जा रही है। हम आपको सुनवा रहे हैं देशराज पटेरिया को गाव भाव जो लोकगीत। ककरा नबी ने और माटी ना छानी, ककरा नबी ने और माटी ना छानी, दरे खान ल्याई छबुलिया भर के, दरे खान ल्याई छबुलिया भर के, कैसो नो दरिया सुबरे ल्याई कर के। चौका न पोतो और भाड़े ना माजे, चौका न पोतो और भाड़े ना माजे, अदन चढ़ा दो हरिया भर के, कैसो नो दरिया सुगर लियाई भर के। स्वाद डराए दो कर दो, उको स्वाद डराए दो कर दो, हड़िया तो जारी तन किसी कर के, कैसो नो दरिया सो कर लियाई धर के। बड़ी बड़ी आंखें डायन सी लागे, बड़ी बड़ी आंखें डायन सी लागे, दो नैना चौवर भर के, कैसो नो दरिया सो कर लियाई धर के। अगिनित झींगुर सुणाऊ में, अगिनित झींगुर सुणाऊ में, देखो भय डेंगरा सर के, कैसो नो दरिया सुगर लियाई कर के। हाथ न धोए पाँव न धोए, हाथ न धोए पाँव न धोए, जेवत बैठ कटोरा भर के, कैसो नो दरिया सुगर लियाई दर के। कहें कबीर कछु जो काबे, कहें कबीर कछु जो काबे, आगी होए हपोला जर के, आगी होए हपोला पर के, कैसो नो दरिया सुगर लियाई दर के, कैसो नो दरिया सुगर लियाई। हेलो। हेलो भैया, फोन करें लोकगीत सुने में खूबे खूब स्वागत है आपको। अपना नाम बता दो। नीलेश राजपूत बोल रहे सर। नीलेश भैया कहाँ से बोल रहे हो? अपन सुल्तानगंज से बोल रहे सर। अरे वाह, सुल्तानगंज रायसेन में है कि बेगमगंज में?
बेगमगंज तहसील है, रायसेंड जगह सर। अच्छा अच्छा जी जी। तो भैया सुल्तानगंज की कछु विशेषता बताओ आप। सर सुल्तानगंज की विशेषता वही पहाड़ है, नदियां है, अरे वाह भैया, और खेती किसानी है, पर्यावरण ठीक ठाक है, शुद्ध है सर। बहुत ही अच्छी बात भैया, आज के जमाने में अगर सुल्तानगंज जैसे सब गांव और सब शहर हो जाएं कि जहां नदियां हो, पहाड़ हो और जहां पर नहीं भी है तो उते अपन पेड़ पौधे उगा देवे, झील तालाब हैं, पुरानी कुआ बावड़ी हैं, उनको साफ कर देवे, तो कहने का भैया। जल संवर्धन योजना भी चल रही है सर। बहुत अच्छी बात है भैया। तालाब आप लोगों ने मिलके बनाया हो कि प्राकृतिक रूप से मौजूद है? वो सर पुराना है, बहुत पुराना है। हाँ, तो उसको संरक्षण कैसे कर रहे हैं भैया आप लोग? सर वही साफ सफाई चलती रहती है उसकी, क्योंकि वहाँ पानी का स्रोत वही है। हाँ, पीवे भी के लाने जी, नीचे से पानी टंकी में चढ़ाते हैं, फिर वो गांव पूरे शहर में उसको सप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा जी। और नदी को नाव का है भैया जो निकली है अपने यहाँ से? अपने तो ऐसा सर दो नदी निकली है, एक धसान निकली है। हाँ हाँ। और एक और निकली है सर, उसका नाम नहीं है आज। तो भैया हम तो जाके हैं कि प्रकृति ने आप सबको सुल्तानगंज वासियों को दो ही हाथ खोल के दो है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाऊ थे कि जो प्रकृति ने दो है वो उनको ब्याज सहित लौटाओ के रखे सर, और ब्याज सहित लौटाओ भैया। बिल्कुल। अब आप कहोगे लौटा है कैसे आप प्रकृति को? सर पेड़ पौधा लगा के उनको संवर्धन करके। बिल्कुल भैया। और हम तो जा कह रहे भैया कि पूरे भारत में एक ऐसा आदर्श गांव बना के बता दो आप भैया, कि आदमी कहे यार कि देखो ऐसा होते जल संरक्षण और जल संवर्धन। अभी सर बहुत तेजी से चल रहा है और अभी सुल्तानगंज तहसील भी बनाई गई है। अरे वाह भैया जी। तो सुल्तानगंज भैया कहाँ पड़ा था? पंजे भोपाल को जाए तो कहाँ पड़े, रास्ता में पड़ते सर? भोपाल रोड पे तो नहीं है, अपना ये जयसी नगर से सिलवानी वाले रोड पे है, बीच में। अच्छा अच्छा। कबू मौका लगो तो आपके सुल्तानगंज घूम में हम जरूर आए भैया। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। चलो भैया, और हम अब पूछ रहे हैं आपसे अटका। जी सर। अटका कह रहा है कि पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर। पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर। सर झाड़ू तो नहीं? नहीं भैया। थोड़ा संकेत मिले सर? भैया जो अपनो नित्य के काम में शामिल है, एक के बगैर अपन कछु नहीं कर सकते हैं, यानी जो अपनो कर्म में ऐसा है कि सब कछु अपन एक लाने करते हैं। सर शरीर की पांचों इंद्रियां तो नहीं है? नहीं भैया। सर वो नहीं आ रहा? कोई बात नहीं भैया। तो अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे मैं? सर राजू पटेल का मिल जाएगा सर कोई? बिल्कुल मिल जाए भैया। राजू पटेल का सर कोई भी भक्ति गीत सुनवा देना। चलो भैया सुनो अपनी फरमाइश पे राजू पटेल और उनके संगीत साथियों को गाओ भाव जो लोकगीत। अरे राधा की ताने चुनरिया, अरे राधा की ताने चुनरिया, मोहन गाने श्याम राधा की ताने चुनरिया, मोहन गाने श्याम राधा की ताने चुनरिया, मोहन गाने श्याम। मोहन गाने श्याम, मोहन गाने श्याम, मोहन गाने श्याम राधा की ताने चुनरिया, मोहन गाने श्याम राधा की ताने चुनरिया, मोहन गाने श्याम। मैं जा रही थी दर्द बेचन को, दर्द बेचन को हाँ, दर्द बेचन को, दर्द बेचन को हाँ, दर्द बेचन को। ओ मोसे का ये मोसे मिलावे नजरिया, अरे मोसे मिलावे नजरिया, मोहन गाने श्याम। अरे दईरा मांगे करे बड़े जोरी, ये दईरा मांगे करे बड़े जोरी, राधे दईरा मांगे करे बड़े जोरी,
करे बर जोरी करे बर जोरी करे बर जोरी करे बर जोरी तो दईरा की देखो दईरा की थोरी मटकिया देखो दईरा की थोरी गगरिया मोहन गाने जा राधा की ताने छेड़ो ने श्याम कही मोरी मानो छेड़ो ने श्याम कही मोरी मानो अरे कई मोरी मानो कही मोरी मानो छेड़ो ने श्याम कही मोरी मानो अरे हो रही है का अरे हो रही है मोखो दो फरिया अरे हरे राम हो रही है मोखो दो फरिया मोहन गाने श्याम राधा की ताने चुनरिया सखी मोहन की लीला मोहन की लीला जा मोहन की लीला मोहन की लीला जा मोहन की लीला तो छलिया है कौ अरे छलिया है ब्रज को कन्हैया अरे छलिया है ब्रज को कन्हैया मोहन गाने जा राधा की ताने चुनरिया हेलो हेलो सर हाँ हेलो सर बताओ कहाँ से बोल रहे भैया जिला सागर तहसील बंडा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं चरण सिंह ठाकुर सागर से 30 किलोमीटर दूर है हमारा गांव बिलौआ तहसील बंडा और गांव बिलौआ जी बंडा से कौन तरफ जाने पर भैया बिलौआ को जो सागर और शाहपुर और बंडा के बीच में है शाहपुर और बंडा और मतलब भैया बंडा से जो दमोह जिला तर पे जो रोड जाते हैं वो तर पे कहाओ नहीं नहीं सायपुर के यही तर पे है नहीं तो दिशा तो वही कहा है ना भैया हाँ दिशा है जाई चलो भैया तो चरण सिंह जी अपने गांव के बारे में बताओ भैया गांव कितना बड़ो है आपको जो बिलौआ गांव अपने सर 1000 की बस्ती है 1000 की बस्ती जी स्कूल कहाँ है भैया होते 8वीं तक है सर और फिर उसके बाद बंडा हाँ बंडा भी जाती है सर बंडा भी जात है माने और कहूँ भी जात शाहपुर भी जात हुई है ना हाँ शाहपुर अपने पास में है बंडा है फिर सागर भी चले जाते हैं चलो भैया बिलौआ नाव सुना थे सो ऐसो लगत जैसा कोनू बिलौआ दे रहो पहुँच जाए होते जी जी, जी, जी। चलो भैया और गांव में और कहा है भैया नदिया दिया सोई कड़ी हाँ ये तालाब है चनक 2 किलोमीटर दूर है तालाब तो भरो रहता है चलो ठीक है तो भैया करत का हो आप उते हम किसान हूँ सर खेती बाड़ी का काम करते हैं तो अबे खेती बाड़ी में का हो रहा भैया अबे अपन सर अबे ये खेत अपन सुधार रहे हैं कभी प्लाव करवा है बखानी करवाई है बोनी के में तज जा रही है बहुत अच्छी बात भैया जितने काम आपने बताए ये सब गर्मियों के बहुत जरूरी काम है गहरी जुताई जो आप प्लाव कह रहे हो है ना जी। खेत सुधार बे को काम जो आपने बताओ वो है जे सब काम बड़े जरूरी काम रहे थे और जे काम जितने अच्छे से हो जाए भैया अपनी अगली फसल उतना ही आसानी से बहुत अच्छी होते है ना चलो भैया तो कितने साल में करात गहरी जुताई आप 3 साल में 4 साल में चलो चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है भैया और का लगाने हैं आप थोड़ा दिन बोएंगे
यार कछुआ दा बोइने। भैया कैसे अलग अलग फसलें लगा लो अपन तो कोनू एक में अगर नुकसान हो था दूसरे से भरपाई हो जात। सब थोड़ा थोड़ा सब भाव चाहिए। बिल्कुल फसल। हाँ चलो और चरण सिंह जी अब आउ थे अपन आज के अटका पे जी। तो आज को अटका लेके आए हैं भैया के पांच पंच हैं घने खजूर और तुम लौटो हम जाएं दूर। ये बोनी मशीन तो नहीं? नहीं भैया बोनी मशीन तो नहीं है। तो नहीं है सर नहीं आ रहा भैया जी। चलो ठीक है तो फरमाइश बता दो चरण सिंह जी। गंगा देवी रैकवार का सुना दीजिए सर। गंगा देवी रैकवार को कौन सो? कोई भी सुना दीजिए सर। चलो ठीक है तो चरण सिंह जी लो आपकी फरमाइश पूरी करी जा रही है आप तक पहुंचा रहे हैं हम गंगा देवी रैकवार को गाओ भाव जो लोकगीत। लौ सो चारण छोड़े कहाँ जाऊं
खेलन दिन जाओ भवानी में हटकी दी हटकी दी गुरु खेलन दिन जाओ भवानी में हटकी दी। हेलो भैया, फोन करें लोकगीत सुने। जी बिल्कुल सर, फोन करें लोकगीत सुने सर जी। अपना नाम बता दो भैया। सर जी हम ग्राम पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश। सर जी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं। मेहरबान सिंह नागल भैया, भैया जो तालगांव कहाँ पे है आपको? जो दतिया से 55 किलोमीटर है तहसील भांडेर में। तो कछु अपने गांव के बारे में बताओ कि कैसो का है और गर्मी में और बरसात में कैसो लगा था उते? देखो हमारे गांव में तालाब ज्यादा है सर जी। हाँ, लेकिन बारिश कम हो रही तो तालाब कम रहे, लेकिन पानी की सुख सुविधाएं तो सब है सर जी। अच्छा अच्छा, तो भैया उन सुख सुविधाओं को आप लोग बढ़ावे के लाने और उनको बेज्यों के त्यों अच्छी बनी रहे एक के लाने कछु काम करत हो कि नहीं? नहीं है ना, और सुविधाएं और हो गई और भी लग जाए टंकी भी बन बचा रहा है गाँव में। हमारा कहवे को मतलब भैया जो है कि प्रकृति ने जो अपन को दाओ वो तो ठीक है, मनो अपन प्रकृति को कैसे संवर्धन कर सका थे, कैसे अच्छो संवार सका थे, तो वो कहना जरूरी है भैया कि बरसात आवे के पहले अपन तैयारी कर लें, बड़े बड़े गड्ढा खोद लें कि भैया वो में अपन को अच्छे पेड़ लगाने हैं के अगली बेर गर्मी कम पड़े और गर्मी पड़े तो अपन छाया में खड़े हो सकें और बरसात के बादल अगर कहूं भग रहे हैं तो भी पकड़ के दतिया में आ जाएं और अच्छी बरस जाएं भैया। बिल्कुल, अपन का है भैया अपने आगे वाली पीढ़ी को जब अच्छी प्रकृति अगर सौंप के जे हैं। बिल्कुल, तो भैया बहुत अच्छी बात है। एक से अच्छो कि अपन महल अटारियां बनवा दें, गाड़ी घोड़ा की बात करें अपने आगे आवे वाली पीढ़ियों को, ऐसे में भैया अगर एक पेड़ ही लगा दो अपन ने तो पता नहीं कौन कौन आदमी हो के नीचे छाओं में ठहरे भैया। और का और पर्यावरण भी अच्छा रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हाँ, पौधारोपण करेंगे तो। बिल्कुल भैया, और भैया बता दो लोकगीत कौन सा सुनवाए मनो? ओके पहले हम पूछ लेते हैं आपसे अटका। अटका कह रहा है कि पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर। अच्छा सर। हाँ सर जी, हमारे तो समझ में नहीं आ रही सर जी, एक बार और सर जी बोल रहे। हाँ हाँ जी सर, हमारी समझ में नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं भैया, परेशान ना हो। और अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे? लोकगीत है की आवाज में जय सुनवा दे, जब से बल्ला मुझे मानने लगे। बहुत बेहतरीन गीत है सर, हम भी सुनते रहते हैं। और उमा भैया उन्होंने जो गायकी करी है वो इतनी प्यारी प्यारी करी है, ऐसा लगा जैसे बीच में डांट रहे हो, ये मुखो खिलौना से लगन लगे, अरे जब से बलम मोरे, तो ऐसा लगा था जैसे कि भैया सुन लो तुम। सही कह रहे हैं। तो सुनो भैया अपनी फरमाइश पे चुन्नी लाल रेखवार को गाओ भाओ जो प्यारो सो लोकगीत। मोरे मन के चलन लगे राजा खिलौना से लगन लगे, मन के चलन लगे राजा खिलौना से लगन लगे।
तो भैया हरो चुन्नी लाल रेकवार के गाए यही लोकगीत के संगे अब फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम जो है अपने समापन की तरफे आ पहुंचो है कायजा शेखर भैया। बिल्कुल भैया, अब आदमी सोच रहे होंगे हम काके हैं मनो, मगर भैया अपन हाँ। पहले अटका को जवाब देने है। बिल्कुल भैया, तो आज को अटका पहले तो जा बता दें जयशेखर भैया हाँ। के अब भेजो कौन ने है तो बिल्कुल भैया जो अटका पहुंचाओ तो गोविंद सिंह लोधी ग्राम हाँ। मझगवा तहसील बंडा जिला सागर ने। वाह भैया वाह, गोविंद भैया आपने बहुत ही पारंपरिक अटका भेजो है और हमारे सतीश भैया बहुत सारे श्रोताओं ने एक जवाब भी दो। आज तो पहले ही श्रोता ने उत्तर हाँ, दे दो तो। हमें जो लगो कि भैया अपन कैसे नहीं जाना था इतनो अटका प्रचलित रहो जो अपने कहते भैया। ये बात से जो सिद्ध होते है के सभी जने चाहे हमारे इतने बैठे हो चाहे सबको जानकारी मिलत है सबकी जानकारी बढ़त है हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही पारंपरिक अटका भेज के आकाशवाणी से जुड़े रहो हाँ। और एक इलाने अटका हम समझाए दी थे बिल्कुल अटका समझावे के लाने भैया कछु नहीं है, हमने तो कई अपने श्रोताओं से बात करी और उनको बात बात में सब चीज बताते रहे थे, अलग से संकेत ना देके बात करवे के दौरान संकेत दे दो। बिल्कुल ठीक है, तो बात करवे में आदमी को अगर श्रोता भैया अपने ध्यान दे हैं तो उनको मजा आए। तो भैया अटका में जो पांच पंच हैं मतलब हाथ की पांच उंगलियां, ठीक, खजूर मतलब मुंह के दांत, ठीक है, और अब अपन जो भोजन करत हैं वो भोजन या कोर और वो चलो जाते सीधे पेट में मतलब मुंह से दूर चलो जाऊ थे हाँ। और अपनो हाथ वापस आके लौट आऊ थे। बिल्कुल तो भैया देखो कितने विस्तार से और कितने अच्छे तरीके से जयशेखर जी ने समझा दी भैया पूरी जा अटका। और अब जयशेखर भैया चलत चलत अपन जा भी बता देवे कि आज के कार्यक्रम में श्रोताओं से बतकाव कर रहे थे हम सतीश साहू और हम भैया जयशेखर। तो भैया हरो अगले कार्यक्रमों में आप औरों से फिर भेंट हुई है यही आशा यही उम्मीद के संग फिलहाल चाहत है अनुमति सभी जनों को हम दो ही जनों की राम राम, राम।